अमित बेटा। हाँ माँ। कहीं तुझे नौकरी मिली ना मिली? माँ नौकरी कहाँ से मिलती, मैं 2 दिन से चक्कर मार रहा हूँ पर कहीं मिल ही नहीं रही। अरे बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा घर बैठने से, तू नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा फिर, देख। माँ देख तो रहा हूँ, अब नहीं मिल रहा, बताओ क्या करूँ। मैंने सारे में ढूंढ ली, नोएडा भी चला गया, गाजियाबाद भी देख ली, अब कहीं मिल जाती है तो पैसे कम रहते हैं। बेटा तो कम पैसों में कर ले जब तक सही से ना मिलती तुझे नौकरी तो। माँ मैं 6,000 में नौकरी कैसे कर लूँ, 3,000 रुपये तो टेम्पू का किराया है, मैं तो किराया नहीं खा लूँगा, क्या बचा लूँगा क्या खा लूँगा, तुम बताओ। अब तुझे पता है घर का सामान धीरे धीरे सारा खत्म होता जा रहा है, कैसे करेंगे आगे को बता। चलो माँ कह तो तुम खैर ठीक ही रही हो, पर माँ मैं देखो कोई ठाली थोड़े ना बैठा हूँ, देख ही रहा हूँ, या थोड़े से सही पैसे मिल गए माँ नौकरी कर लूँगा। बेटा कर ना लूँगा, करना पड़ेगा क्योंकि तेरे सिवा हमारा है ही कौन, और घर का खर्चा कौन उठाएगा, तू नहीं उठाएगा तो। सही कह रही हूँ माँ, बस माँ यही तो दिक्कत होगी मेरे साथ, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो आज मेरी अच्छी नौकरी लग जाती। बेटा मैंने तो तुझे पढ़ाया, तू ही नहीं पढ़ा आगे को, इसमें मेरी क्या कमी है। माँ मैं तुम्हारी गलती थोड़ी ना बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ मैं जॉब देखने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ठीक है बेटा तो चलो जाओ, मैं तो भगवान से यही दुआ मनाऊंगी आज तक नौकरी लगी जाए। ठीक है माँ। ये लो चाय तो पी लो। अरे नहीं स्वाति आके पीऊंगा, आज मुझे ना काम देखने जाना है। पर चाय पी के जाओ, खाली पेट बाहर नहीं जाते, ये लो पी लो चाय। वो मम्मी घर में सब कुछ खत्म हो रहा है ना, तो चीनी है और आटा भी खत्म हो रहा है, आप जाके आटा ले आती तो खाना बना देती मैं। ठीक है बेटा ले आऊंगी। देख अमित धीरे धीरे घर में सारा सामान खत्म हो रहा है, चल कोई ना तू अपनी नौकरी देख क्या, और मैं दुकान वाले से किसी से उधार ले आऊंगी। ठीक है मां मैं नौकरी देख कर आता हूं। ठीक है भगवान से मैं यही दुआ मना रही आज मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। हमारे वो कोशिश तो पूरी है, वो भगवान की मर्जी का। ठीक है मामा चलता हूँ। ठीक है बेटा आराम से जाइयो। मम्मी आपसे एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोल। वो मैं ये कह रही थी कि मैं तो पढ़ी भी हूँ और कहीं भी नौकरी कर सकती हूँ, इनका काम नहीं लगता तो क्या मैं नौकरी कर लूँ? ना ना बेटा तू नौकरी मत कर, क्योंकि हमारे खानदान बहू घर से बाहर नहीं जाती नौकरी करने के लिए। मम्मी वो तो बात ठीक है पर इनका काम भी तो नहीं लग रहा, अगर इनका काम नहीं लगेगा घर का खर्चा कैसे चलेगा। मम्मी मैं तो यही सोच रही थी कि मैं भी नौकरी कर लूँ, इनका काम आज नहीं तो कल लग ही जाएगा, दोनों मिल के कमाएंगे तो कुछ तो बचेगा। नहीं बेटा स्वाति मैंने कहा ना कि तुम कहीं मन जाओ घर से बाहर, अमित बेटा कर लेगा जैसे भी करेगा, और मैं नहीं चाहती मेरी बहू घर से बाहर जाए नौकरी करने के लिए। मम्मी आप मना क्यों कर रही हो, सब नौकरी करते हैं, कौन नहीं करता, लड़की भी करती है बहू भी करती है, इसमें कोई बुराई थोड़ा है। और मुझसे ये घर की हालत नहीं देखी जाती है, वो भी परेशान होते हैं आप भी परेशान होते हो, घर में राशन भी खत्म हो जाता है, अगर काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खर्चा चलेगा हमारा। बेटा तू हिम्मत मत हार, भगवान सब अच्छा करेगा, पर मैं तुझे बाहर नहीं भेज सकती बेटा। मम्मी तुम समझने की कोशिश तो करो, मैं अच्छे के लिए कह रही हूँ, कोई बुराई के लिए नहीं कह रही हूँ। चल ठीक है बेटा अमित को आने दे, मैं उससे बात करती हूँ फिर मैं तुझे बता दूंगी। ठीक है ठीक है। और अमित कहाँ जा रहा? कुछ ना राजेश भाई, जॉब ढूंढने जा रहा था। आ बैठ 2 मिनट। अरे यार देर हो रही है। अरे नौकरी वोकरी छूट गई क्या थी? हाँ नौकरी तो छूट गई। अरे वो ऐसा हुआ था माना नया मैनेजर आया था तो हमारी छटनी होगी तो इस मारे जॉब से निकल गया। अच्छा ये बात है तो यार तुझे तो बहुत दिक्कत हो रही होगी ऐसे। अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, 20 दिन हो गए काम ढूंढते ढूंढते, ना घर में खाने को बचाओ और ना साले पैसे बचे, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। अच्छा जी। अरे एक बात मैं ये कह रहा था राज भाई तुम भी देख लो यार कहीं जॉब, अगर तुम कहीं पता हो तो। यार क्या बताऊँ आजकल काम मंदा ही चल रहा, सही बताऊँ। चल यो बात है तो देखता हूँ मैं तेरे लिए कहीं जॉब हो।
बाकी जैसे भी मिलेगी ना मैं तुझे पक्का बता दूंगा यार। चलो राजेश भाई, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी कहीं जॉब जरूर लगवा दो। मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ, 20 दिन हो गए घर पे बैठे बैठे, दिमाग वैसे ही ख़राब हो पड़ा। पर एक बात बताओ, तुम कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे? अरे मुझे काम वाम करने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही मेरे पिताजी की डेयरी है, मुझे तो डेयरी से फुर्सत ना उठती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा तो वैसे भी डेयरी का काम है। पर राजेश भाई, तुम ना कोई जॉब ज़रूर देखना मेरे लिए, अगर तुम्हें मिले तो मुझे फ़ोन कर देना। चल ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, बाकी तू भी कोशिश कर। ठीक है राजेश भाई, ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं तुमसे। ठीक है। अब इसकी नौकरी भी छूट गई, और वैसे भी इसके यहाँ कमाने वाला है ही कौन इसके सिवा, बेचारा बहुत परेशान है भाई। तो चलो बेटा, क्या हुआ, नौकरी वोकरी लगी ना लगी तेरी? बेटा कैसे उदास बैठा है? अरे माँ, आज भी नौकरी नहीं लगी। माँ सारी जगह चला गया पर कहीं काम नहीं मिला। अरे एक जगह मैं गया तो वहाँ 4,000 रुपये बता रहे थे, फिर वहाँ से मैं आ गया। और जगह गया, और जगह सब ने मना कर दिया कि भैया तुम पढ़े लिखे नहीं हो, नौकरी नहीं मिल सकती। बेटा तो फिर क्या करें, ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुझे काम नहीं मिलेगा तो फिर घर कैसे चलेगा? और तुझे पता है उधार सामान लाई थी जिससे, वो भी ये कह रहा था घर में कुछ तो पैसे दे दो, अब वो भी पैसे मांगने लगा, उसे कहाँ से दें? राशन खत्म हो जाएगा तो कहाँ से लाऊंगी फिर उधार, वो देगा नहीं। तो बेटा कोशिश कर, नौकरी देख। अरे माँ, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, बताओ मैं जान ही रहा हूँ तो मेरी गलती है, मेरी नौकरी लगी नहीं तो मैं क्या करूँ? बेटा ऐसे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और मैं ये कह रही थी, स्वाति ये कह रही थी कि मम्मी मैं नौकरी कर लेती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। हाँ अमित जी, मैं ही कह रही थी मम्मी से कि मैं काम कर लेती हूँ, जब तक आपका काम नहीं लगता तो मैं कहीं काम देख लेती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी भी हूँ और मेरी जल्दी से जॉब भी लग जाएगी। अरे स्वाति नहीं, तुम बाहर नौकरी नहीं करोगी। और मम्मी एक बात बताओ, तुमने स्वाति को बताया नहीं था क्या कि हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाती हैं? अरे बेटा मैंने बताया तो था स्वाति को। अमित जी इसमें क्या बुराई है, अगर मैं काम करने चली जाऊंगी, हर कोई काम करना जाता है, कौन नहीं जाती, बहू भी जाती है, बेटी भी जाती है, और मैं जाऊंगी कोई अनोखी थोड़ी ना हूँ। और ऊपर से घर की स्थिति देख के ही जा रही हूँ, देख रहे हो घर की हालत कैसी चल रही है। अरे नहीं जाना, हमारे घर की बहू ना आज तक बाहर नहीं निकली। मानती हूँ आपके खानदान की बहू बाहर नहीं निकली, पर पहले का माहौल कुछ और था, आपका माहौल कुछ और है। और मैं नौकरी कर लूँगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे को काम करने जाना है। स्वाति मैंने तुमसे कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। अरे मैं नौकरी देख रहा हूँ, मैं अपने आप लगा लूँगा अपनी नौकरी, तुम बाहर नहीं जाओगी। अच्छी बात है ना, आपकी नौकरी लग जाएगी और मैं भी काम कर लूँगी, इसमें कोई बुराई थोड़ना है, आपके पैसे बचेंगे, घर का खर्चा मैं चला लूँगी। मैंने तुमसे कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, मुझे और मत सुनाओ। अरे बेटा अमित, वैसे स्वाति ठीक कह रही है, घर के हालात तो देख, अगर वो नौकरी कर लेगी तो कौन सी बात है, कर ले दे और तू भी कर लेना, जब तेरा काम सही चल जाएगा, जब उसे घर बैठा दियो। माँ ये तुम क्या बोल रही हो, पहले तो तुम नू कहती थी कि हमारे घर की बहू कभी नौकरी नहीं करेगी, और आज तुम उसको ये कह रही हो कि तू नौकरी कर ले। अरे बेटा तू देख तो रहा है घर के हालात क्या हो गए, वो पढ़ी लिखी भी है, वो नौकरी कर ले तो क्या बात है, कोई इसमें बुराई तो है नहीं है, और मुझे अपनी बहू का पूरा भरोसा है। बेटा तू इस बात की चिंता मत कर, एक बार हाँ कर दे नौकरी के लिए। चलो माँ, जब तुम इतना कह रही हो तो कोई बात नहीं, कर लेगी नौकरी, मैं बोल दूँगा उससे। हाँ बेटा तू उसे बोल दी हो, और वैसे मैंने ना कहा उसे नौकरी के लिए, वो खुद कह रही थी, और घर के हालात ही ऐसे हो गए। चलो ठीक है माँ, कह देता हूँ। स्वाति, अरे स्वाति, अरे नाराज क्यों हो रही हो,
कर लेना तुम नौकरी बाहर। हाँ सच में। देखो मैं तो आपके भलाई के लिए तो कह रही हूँ, अब मेरे पापा ने मुझे इतना पढ़ाया, ऐसी पढ़ाई किस काम की जब मैं नौकरी ना कर सकूँ, और आपका भी तो काम नहीं लग रहा, अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो इसमें बुराई क्या है? पर एक बात है, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो फिर नहीं करोगे तुम काम? ठीक है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर अब तो कर सकती हूँ ना? आप कर लेना तुम। ठीक है, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनसे कॉल करके कह दूंगी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि जब भी आपको नौकरी करनी हो तो मुझे बस एक कॉल कर लेना और तुम्हारी तुरंत नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तुम कल चली जाना। पर एक बात बताओ, तुम शादी से पहले वहाँ जॉब करती थी क्या? हाँ मैं वहाँ जॉब करती थी, फिर मेरी शादी हो गई, मेरी जॉब छूट गई। हाँ उन्होंने कहा था जब भी तुम्हें नौकरी की ज़रूरत हो तो हमारे यहाँ ही करना, इसलिए मैंने सोचा कि उनको ही फ़ोन कर लूँगी, और इस टाइम मुझे नौकरी की भी ज़रूरत है और आप परेशान भी हो, इसलिए तो मैं जिद कर रही हूँ। ठीक है स्वाति, तुम घर से चली जाना, मैं भी कहीं जॉब ढूंढता हूँ, क्या पता मिल जाए मुझे कहीं। ज़रूर मिलेगी, आप भी कल से ढूंढ लेना और मैं कल उनको फ़ोन करके चली जाऊँगी। ठीक है। अच्छा मम्मी जी मैं चलती हूँ, अम्मी जी चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, अगर बाहर तुझसे कोई भी कुछ भी कहे तो ध्यान मन देना और अपने सीधे घर आना और जाना। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अम्मी जी आप भी जा रहे हो ना? हाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो चलो साथ में चलो। नहीं नहीं स्वाति तुम चले जाओ, मैं थोड़ा लेट जाऊँगा, तुम्हारा पहले है, तुम पहले चले जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ध्यान से जाना और कोशिश करना आज आपका काम लग जाए। अरे यार मैं कोशिश पूरी पूरी करता हूँ, पता नहीं लगता ही नहीं है। कोई नहीं आज जरूर लग जाएगा। चलो मैं चलती हूँ, मैं कह रही थी कि साथ में चलते तो अच्छा लगता। कोई नहीं आज तुम चल जाओ, कल साथ में चलूँगी। ठीक है अम्मी जी, खाना खा लेना टाइम से। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए, आप भी खाना खा के ही जाना। ठीक। मम्मी स्वाति जा तो रही है पर थोड़ा डर सा लगता है, माहौल ना ऐसे ही है, कोई छेड़छाड़ दे तो और कोई दिक्कत हो जाएगी। इसी बात का तो डर है बेटा, अब देखियो बहू को देखे 17 बातें बनाएंगे लोग बाहर के कि देखो इसकी बहू बाहर नौकरी करने जा रही है, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है, उस पर नौकरी करवाना। चलो मैं कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दिन की बात है, बस मेरी नौकरी लग जाएगी तो फिर इससे मना कर दूँगा, फिर ये घर ही रहेगी। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है। चलो माँ तुम ऐसा करो, मुझे कुछ खाने को ला दो, फिर मैं भी निकलता हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी ला रही हूँ, तू बैठ। ठीक। यार ऐसा करता हूँ उनको फ़ोन करता हूँ जो मुझे परसों बुला रहे थे, क्या पता वो आज काम दे दे। हेलो 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 सर जी नमस्ते। सर जी मैं अमित बोल रहा हूँ। कौन अमित? सर जी परसों नहीं आया था आपके पास, नोएडा में जॉब मांगने के लिए आया था, आप बोल लेते परसों आ जाना आप। सर जी मैं जॉब के लिए बोल रहा था, मिल जाएगी क्या? परसों? चलो सर जी ठीक है। यार इन्होंने बोला था परसों आ जाइयो, अब फोन करा तो फिर परसों बोल रहे हैं, पता नहीं यार मेरी तो नौकरी लग पाएगी नहीं लग पाएगी, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। बेटा किससे बात कर रहा था? कुछ नहीं माँ, वो नोएडा में फ़ोन करा था। अच्छा। उन्होंने बोला था कि परसों आ जाइयो, अब फ़ोन करा तो फिर बोल लेंगे, फिर परसों बताऊँगा। अच्छा बताओ, आजकल ही हो रही है ये तो माँ। ये क्या बनाया मैं तुमने? बेटा मैंने कचौरी बनाई थी, मेरा मन कर रहा था इसलिए। अरे माँ ज़्यादा खर्चा मत करो, वैसे पैसे नहीं है घर में। हाँ बेटा वो बात तो सही है, लेकिन मैं तो बना ली थी, मेरा मन था इसलिए। चल तू चिंता मत कर, नौकरी लग जाएगी, देखते हैं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी।
पशुआते को नौकरी करवा रहा हूँ ना मैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बेटा अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है स्वाति से नौकरी करवाना। क्या करूं यार, आज तक निशांत भी नहीं आया, मन ही नहीं लग रहा। अरे यू अमित की बहू कहाँ जा रही है? लगता है कहीं काम करने जाती दिखे, क्योंकि अमित का तो काम लग नहीं रहा। अब यू बाहर निकल गई दिखे। अब चल यार अंदर देखता हूँ पार्क में, शायद कोई मिली जा। ए भगवान, अब जाता रहूँ, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी। ए भगवान, आज मेरी जॉब लग गए। अरे अमित कहाँ से आ रहा? कुछ ना भाई, जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। और एक बात बताओ राजेश भाई, तुम उस दिन कह रहे थे कि मैं तेरी जॉब की बात करूँगा, तुमने करी मेरी जॉब की बात? अरे तेरी बात तो करी ही कही जी गए, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट ही ना काम की। लेकिन एक बात बता, अरे आज मैंने तेरी बहू देखी जाती हुई, कहीं काम कर रही दिखे? अरे हाँ भाई, वो स्वाति को ना मैं नहीं बोला था जॉब करने के लिए, वो बोल ली थी जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती इतने मैं कर लेती हूँ। मैंने ठीक है चलो जब तक तुम कर लो। अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन आजकल माहौल बहुत खराब है, तुझे सब पता है, ठीक ना ऐसे? अरे कोई बात नहीं अबे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बीवी पे ना बहुत भरोसा करता हूँ। अरे अमित वो तो बात ठीक है, लेकिन ये तो देख मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इसकी बीवी काम करने जा रही है और यो घर पे पड़ा रहे। अरे राजेश भाई, जो लोग बाग कह रहे हैं ना इन्हें कहने दो, ये लोग बाग के मेरे घर में राशन दे देंगे खाने के लिए। बताओ क्या, तो तू ठीक रहा वैसे, चल जैसे भी तेरी मर्जी, बाकी मेरा तो कहने का फर्ज है। ठीक। वैसे इसकी लुगाई तो है बड़े टोप की, कल देखता हूँ बात करके, शायद बात ही बन जाए। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ आ गया। अरे बेटा नौकरी वोकरी मिली ना? मिली नहीं माँ, कहाँ मिली नौकरी, आज भी नौकरी नहीं मिली। पर माँ एक बार बताओ, स्वाति आ गई? ना बेटा अभी तक तो नहीं आई है। पर माँ रात के 9 बज रहे हैं, स्वाति तो मेरे से ये कह दी थी कि मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी, पर अभी तक क्यों नहीं आई? पता ना बेटा क्यों नहीं आई, इतना टाइम हो रहा है, इसी बात की तो चिंता लगी रहती है, लेट सीट आती है और पता भी नहीं अभी क्यों नहीं आई, क्या बात है? माँ मैं जब तो बाहर नहीं भेज रहा था, पता नहीं मोहल्ले पड़ोस की क्या क्या कहेंगे, और आज माँ पहले ही दिन है, आज ही लेट आ रही है। बस माँ मुझे इसी बात का डर है, पता नहीं कहाँ रह गई। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, अगर हम बहू को रोकेंगे भी तो बहू ये कहेगी कि मेरे पे शक कर रहे हैं, फिर उल्टा बोलेगी वो हमसे, हम कह भी तो नहीं सकते उससे कुछ भी। माँ मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने ना कोई गलती कर दी उसे बाहर नौकरी पर भेज के। ठीक है बेटा, आगे उसे स्वाति को बात करते हैं। ठीक है माँ। अरे आ गए आप? अरे तुम इतनी लेट कहाँ हो गई थी? अरे वो इसलिए लेट हो गई थी, आज मेरा पहला दिन था और सर कुछ मुझे समझाने लगे थे, आगे भी मुझे सीखना है, तो इसलिए उन्होंने आज ही मुझे बता दिया, कल आके मैं अपने आप कर लूँगी। यार तुम तो कह रही थी कि 7 बजे फ्री हो जाया करूँगी, यार 9 बज रहे हैं, हमें तो डर लगा रहता ना तुम्हारा। अरे वो सर समझा रहे थे ना इसलिए मैं लेट हो गई, और आज ही तो लेट हुई हूँ, कल से मैं टाइम से आ जाया करूँगी। चलो ठीक है, कल से लेट मत होना। माँ खाना बना लिया तुमने? हाँ बेटा मैंने खाना बना लिया, तुम दोनों हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है? ठीक है चलो हम हाथ धो लेते हैं। अच्छा मम्मी जी चलती हूँ, और मैंने नाश्ता बना दिया है, खा लेना आप लोग। बेटा तूने नाश्ता कर लिया? हाँ मम्मी जी मैंने तो नाश्ता कर लिया। और ले जाने के लिए रख लिया? नहीं वो क्या ना मैं ऑफिस में आ ही जाता है और वहाँ बनता है ना, तो इसलिए वो नहीं खा लेती हूँ। अच्छा थोड़ा जल्दी आ जाना, ठीक है ना?
ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखियो। चलो माँ मैं भी चलता हूँ, हो सके क्या पता आज मेरी जॉब लग जाए। एक जगह ना मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्या पता लग जाए मेरी आज। चलो ठीक है माँ मैं भी निकलता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तो यही चाहती आज तेरी नौकरी लगी जाए। अरे बेटा ये मोबाइल किसका है? अरे ये तो माँ स्वाति का है क्या? तो जल्दी देखिया कहीं निकलना जाए आगे को। ठीक है ठीक है मुझे। अरे यार अभी तक आई नहीं अमित की बहू, आज आ जाते इससे आज बात ही करूँगा। लगता वो इधर स्वाति स्वाति लगता आ रही दिखे रहा। हाँ हेलो सुनना जरा। हाँ जी कौन? तुम अमित की वाइफ हो ना? हाँ। तुम जॉब पे जा रही हो क्या? हाँ जॉब पे जा रही हूँ। पर आप क्यों पूछ रहे हो? वो कौन जो तुम इस बारे में पूछ रहे हो? अभी तक अमित की जॉब नहीं लगी क्या? क्यों लग जाएगी? मैं तो ये कह रहा था मैंने कि अमित की जॉब लग भी गई तो 6-7 हज़ार में क्या गुजारा करेगा वो तुम्हारा। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ तुम हो कौन और इस बारे में क्यों पूछ रहे हो और मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? वैसे मैं अमित का दोस्त हूँ और वैसे भी उसमें रखा क्या अमित में? तुम मेरे पास आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। खुकुरता जो मेरे पति के बारे में ऐसा बोला तो आई समझ में? तुम्हें बोलते हुए भी शर्म नहीं लग रही और ऊपर से कह रहे हो कि मेरे पति के दोस्त हो तुम? ऐसे दोस्त होते हैं? ऐसा दोस्त? छी तुम जैसे दोस्त पे तो मुझे शर्म आती है। बहुत बढ़िया राजेश भाई बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता था यार तुम ऐसे हो। ये तुम्हारा दोस्त है और आप यहाँ कैसे? तो कुछ नहीं, तुम्हारा फोन रह गया था ना घर पे, तुम्हें देना आया था। राजेश भाई तुमने ना दोस्ती में दगा कर दी, मुझे विश्वास नहीं था यार मेरा दोस्त ऐसा नहीं। और हाँ तुमने ठीक कहा राजेश भाई, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे पास मेरी वफादार बीवी है। मुझे अपनी बीवी के आगे ना मुझे दौलत की जरूरत नहीं है। सुन लिया तुमने? और आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखा जाना, आई समझ में? चलो स्वाति आज मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। ठीक है।